Hello everyone. This is Pragya Pandey from Rouse Academy for competitive exams, Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions. So let's see their solution first. So the first question was: World's first drone-based vehicle for vaccine delivery of animal care was started in which state? And correct answer for this question is Andhra Pradesh. Okay. Next question. इज़ इन विच यर नाइंटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के मिनटू फोर एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू थाउजेंड एंड फोर्टीन आपको पता है इसका रिलेशन था एन जे ए सी से जो कि हालांकि अभी न्यूज़ में है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट सी वॉट इज इन द न्यूज़ सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट वेयर ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल टेबिल फॉर कमेंट देखिए हुआ क्या है जैसे आप सभी को याद होगा दो हज़ार उन्नीस में इस आर्टिकल को भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे लेकिन आप इसके पहले का इतिहास समझ लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है 2019 में द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में बाय द मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन एलेवेंथ ऑफ डिसम्बर टू लेकिन क्या हुआ इस बिल को बाद में वापस ले लिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज देखने के लिए मिल रहे थे जिसमें से सबसे बड़ा इशू था कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने ये डिसाइड किया या इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जब इसको प्रपोज़ किया गया था तब से लेकर इसमें 81 वन अमेंडमेंट्स इसमें देखने मिले ठीक है तो so, इसमें इतने सारे फ्लॉज थे कि हर बार कुछ नया अमेंडमेंट हो रहा था बहुत सारे लगभग 12 रिकमेंडेशंस इसमें प्रपोज किए गए थे बहुत सारे डिजिटल फ्लॉज इसमें देखने मिले एज ए रिजल्ट पार्लियामेंट डिसाइडेड कि हम इसको विदड्रॉ कर लेते हैं एंड सिंस देन अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में बिल नहीं है तो ये पर्टिकुलर सेक्शन इसी बारे में यहाँ पर बात करता है चलिए अब देख लेते हैं कि ये आर्टिकल क्या बोल रहा है देखिए एक बिल यहाँ पर प्रपोज किया जाने वाला है विच विल बी नेम्ड द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आप बोल रहे होंगे क्या है सिर्फ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ही तो नाम है लेकिन नहीं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप इसका नाम याद रखेंगे ये जो रिवाइज ड्राफ्ट है इसे प्रपोज किया गया है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ट्वेंटी ठीक है अभी तीन महीने पहले ही क्या हुआ था जो पुराना बिल है उसे वापस लिया गया था विड्रॉ किया गया है उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे प्रपोज़ किया है और सत्रह दिसंबर तक इस पर ओपिनियन मांगे गए हैं ठीक है कि क्या क्या सजेशंस यहाँ पर होने चाहिए देखिए अब अगर यहाँ पर सब कुछ सही चला तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल विचार किया है कि वो दो के अपना जो बजट सेशन है उसमें इसको प्रपोज करेगी साथ ही इसमें बहुत सारे चेंज किए जा रहे हैं लेकिन अभी हमें इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है ये एक ड्राफ्ट बिल है जब ये फाइनली हमारे पास आएगा तब हम इसका डेप्थ एनालिसिस करेंगे सो नाउ द पॉइंट कम्स व्हाट इज़ डेटा तो डेटा की अगर हम बात करते हैं तो एक लार्ज करेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का जो कि किसी कंप्यूटर या किसी भी नेटवर्क में सेव किया जाता है ऑल right, अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो देर आर सर्टिन टर्मोलॉजीज़ जो डेटा से रिलेटेड होती हैं लाइक पर्सनल डेटा सेंसिटिव पर्सनल डेटा या क्रिटिकल पर्सनल डेटा जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी उनको एक एक करके समझ लेते हैं सबसे पहले टर्म आ जाता है पर्सनल डेटा अगर हम पर्सनल डेटा की यहाँ पर बात करें तो ये डाटा होता है विच प्रोटीनस टू कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ आइडेंटिटी नाम क्या है और ये सारी आइडेंटिटी जो होती है किसी भी इंडिविजुअल की उसको हम पर्सनल डेटा में काउंट करते हैं वहीं एक दूसरा टर्म हमें सुनने के लिए मिल जाता है दैट इज सेंसिटिव पर्सनल डेटा अब सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या होता है इसमें आपके फाइनेंसेस, हेल्थ आपकी ऑफिशियल आइडेंटिटीज़ क्या हैं आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है बायोमेट्रिक्स जेनेटिक्स ये सारा जो स्टेटस होता है वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा का पार्ट होता है इसी तरह से एक होता है क्रिटिकल पर्सनल डेटा अब क्रिटिकल पर्सनल डेटा के साथ क्या सिचुएशन है कि गवर्नमेंट जो भी नेसेसरी समझेगी उस चीज़ को वो क्रिटिकल पर्सनल डेटा यहाँ पर डिक्लेयर कर सकती है सपोज़ नेशनल इमरजेंसी या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है तो वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट को नेसेसरी डेटा लगेगा जो ना चाहिए होगा वो उसको क्रिटिकल कैटेगरी में रख सकते थे अब देखिए यहाँ पर इशू क्या हुआ 2019 हज़ार के साथ बहुत सारे इशूज़ थे पहले तो इसमें फ्लॉज बहुत सारे थे है ना फिर हमने डिस्कस किया लगभग एट्टी वन अमेंडमेंट्स और लगभग ट्वेंटी वन रिकमेंडेशंस यहाँ पर है अब यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी के लिए भी खतरा इसको माना जा रहा था ठीक है लेकिन हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे हालांकि क्योंकि ये विद्रो कर लिया गया है जब तक नया प्रपोज्ड बिल हमारे पास तैयार हो फाइनली नहीं आ जाता तब तक आपको इसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है तो अब पॉइंट कम्स की हमारे लिए क्या याद रखना ज़रूरी है तो आपके लिए याद रखना जरूरी है 2017 का पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ आर्टिकल ट्वेंटी वन में क्या करा जो कि जिसमें इसको रखा गया है साथ ही किस कॉन्स्टि किस पार्ट का ये पार्ट होता है तो आप सभी को पता है पार्ट थ्री एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साथ ही इसी का रिजल्ट था कि 2017 के गव, इस डिसीजन के बाद यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जस्टिस आई एम राइटिंग द नेम हेयर जस्टिस बी एन श्री कृष्णा ठीक है जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी को यहाँ पर फॉर्म किया गया ये सजेस्ट करने के लिए कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या लीगलाइजेशन या क्या डिसिप्लिन होने चाहिए तो ये आप याद रखेंगे इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कौन सी कमेटी है जिसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया कौन सा लैंडमार्क डिसीजन है केस है उसका नाम क्या है ठीक है अब यहाँ पर एक और सवाल अभी रिसेंटली यूपीएससी में पूछा गया था कि रिसेंटली जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जिसे हम जी पी आर बोलते हैं ठीक है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो अभी न्यूज़ में था इसका संबंध किस देश या कंट्री से है ठीक है तो ये यूरोपियन यूनियन का एक डेटा प्रोटेक्शन जैसे हम इंडिया में बात कर रहे हैं ना डिजिटल प्रपोजल डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन का जो यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन के लिए रूल्स और रेगुलेशन है इट इज नोन एज जी डी पी आर विच स्टैंड फॉर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऐसे ही अगर हम यू एस की बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, जैसे यू एस प्रिवेसी एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर आप याद रखेंगे साथ ही ग्राम लीश बिली एक्ट ओके आई एम राइटिंग द नेम हेयर ग्राम ओके सो इट्स ग्राम बिली एक्ट एटसेट्रा ठीक है तो आप याद रखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है जैसे जीडीपीआर पूछ लिया ऐसे ही हो सकता है आपसे यूएस के प्रोटेक्शन बिल के बारे में भी कभी पूछ लिया जाए आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू एनी अपडेट्स

ए आई आई बी से ये डिमांड की है ये अर्ज किया है उनसे कि हमारे जो स्मार्ट टेक हैं जो स्मार्ट टेक एरियाज़ हैं लाइक रिन्यूएबल एनर्जी हो गया स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ हो गई ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इनको इंडिया में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है तो क्या न्यूज़ में इतना ही था नहीं इम्पोर्टेंट है ए आई आई बी देखिए ए आई आई बी क्यों इम्पॉर्टेंट है आई विल नॉट से इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट आई विल से इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ठीक है रिसेंटली 2022 के प्रीलिम्स में ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ए से ऐसे ही लास्ट ईयर मेन्स में भी ए से क्वेश्चन पूछा गया था तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे सो ए बेसिकली है क्या तो ये एक मल्टाइलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन है सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स जो हैं एशिया में ठीक है इसको बढ़ाना ए आई आई बी का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ तो एक एग्रीमेंट के तहत इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था लगभग फिफ्टी सेवन इसकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिसमें से इंडिया भी इसका पार्ट है ठीक है पच्चीस दिसंबर दो हजार पंद्रह ठीक है पच्चीस दिसंबर दो हजार पंद्रह को ए आई आई बी को इस्टैब्लिश किया गया था फिफ्टी सेवन फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा आज की डेट में अगर हम बात करें तो यस इसके जो मेंबर्स हैं वो हंड्रेड प्लस हैं और ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में और बाकी एशियन कंट्रीज़ में अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि इनका हेड क्वार्टर कहाँ है तो यू ऑल शुड रिमेम्बर दिस कि ए का हेड क्वार्टर सिचुएटेड है बीजिंग में ठीक है जिसने ऑपरेशन करना स्टार्ट किया था दो से अब अगर हम इसके लार्जेस्ट इन्वेस्टर की बात करें तो देखिए भाई सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर इसका है वो तो है चाइना लेकिन चाइना के बाद जो सबसे बड़ा इसका स्टेक होल्डर है दैट इज़ इंडिया ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं तो सबसे पहले जैसा हमने डिस्कस किया इकनॉमिक और सोशल आउटकम्स बढ़ाना है एशिया में साथ ही अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जाती है रीजनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप की यहाँ पर बात होती है कि भाई बहुत सारे बायोलैट्रल डेवलपमेंट होने चाहिए कंट्रीज के बीच में सो दैट दे कैन वर्क कोलाबरेटिवली ओके नेक्स्ट ये बात करते हैं एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ये यहाँ पर बात करते हैं साथ ही दे ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ बेस्ट वन कंट्री कैन यूटिलाइज देयर resources all right सो so, these आर सम ऑफ द पॉइंट जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ऑल राइट सो अगेन वी शुड रिकॉल एवरी थिंग जो हमने अभी पढ़ा 2015 में ए आई आई बी को एक एग्रीमेंट आर्टिकल एग्रीमेंट के थ्रू इसको इस्टेबलिश किया था और इसका जो ऑफिस है बीजिंग में उसने दो से काम करना शुरू किया इसके लगभग फिफ्टी से भी ज़्यादा फाउंडिंग मेम्बर इंडिया मेम्बर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या एशिया के बाहर की कोई कंट्री इसका पार्ट हो सकती है या नहीं डेफिनेटली हो सकती है ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है न्यूजीलैंड कतर कनाडा, साइप्रस बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो एशिया की नहीं है बट स्टिल वो किसका पार्ट है ए का पार्ट है क्या इंडिया इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जी नहीं इंडिया इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर चाइना है इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट Shareholder. So, these are the few points that you should keep in your mind. Chale, so, moving on to the next article. This particular news is very important because, first of all, it is uh, related with GS Paper 3. Second, जब भी किसी स्पीशी की बात होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं चलिए पहले ओवरव्यू दे, दे देती हूँ कि आखिर ये आर्टिकल क्या बोल रहा है यहाँ पर एक बैम्बू के फ्रूट के बारे में बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि ये जो फ्रूट है ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है इतना घातक कि ये नॉर्थ ईस्ट में फेमाइन जैसी सिचुएशन भी लेकर आ जाता है ठीक है अब हुआ क्या है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बुटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि तिरुवनंतपुरम में सिचुएटेड है इन्होंने तेरह साल एक स्टडी करी लगभग 2009 से लेके 2022 तक ठीक है अब इन्होंने क्या पाया कि ये जो एक ट्रॉपिकल बैम्बू है इसमें हर पचास सालों में लगभग फोर्टी एट में इसमें एक फ्लावर निकलता है विच इज़ नोन एज मेलेकोना बेसीफेरा ठीक है अमेजिंग चीज़ यहाँ से क्या पता चली कि ये जो फ्लावर यहाँ से निकलते हैं ये इम्पोर्टेंस तो नहीं पता इनकी कितनी ज़्यादा है या नहीं जो भी मिसकनसेप्शन है वो तो अभी तक खत्म हो चुके हैं बट ये इसमें पहली बात तो कोई प्रोटीन नहीं होता दूसरी चीज़ ये बनते हैं बैम्बू की डेथ का कारण रेड फ्लड की सिचुएशन आई एम नॉट सींग रेड फ्लड आई एम सीइंग रेड फ्लड ठीक है जो आप सुन रहे हैं येस yes, चूहे की बात यहाँ पर की जा रही है साथ ही ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फेमाइन की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं अब देखिए होता क्या है रिसर्च ने एक और चीज़ आइडेंटिफाई करी कि हालांकि होते तो ये 48 साल में एक बार है ठीक है वंस इन 48 एट ईयर्स बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये फ्लावर्स क्या करते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन इनका होता है बहुत सारा फूड का फ्रूट्स uh, का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है विच इज़ अबाउट फोर फिफ्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन के जी ठीक है अब होता क्या है इतने टाइम बाद एक फ्लावर यहाँ पर निकलता है ये ब्लूम करते हैं इनके फ्रूट्स निकलते हैं तो इनकी एक स्मेल होती है जिससे जो एनिमल्स होते हैं जो विजिटर्स होते हैं प्रडेटर्स होते हैं वो इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ठीक है थीके? इसी का रीज़न है कि इनको ये जो स्पीशी की हम यहाँ पर बात करें आप इसका नाम याद रखेंगे दिस इज़ मैलिकोना बेसी इसको बैम्बू डेथ रेड फ्लड फैमाइन इन नॉर्थ ईस्ट या साथ ही इसे मौतम भी बोला जाता है ठीक है ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अब इसे मौतम क्यों बोलते हैं देखिए होता क्या है जब ये फ्लावर्स यहाँ पर ब्लूम करते हैं फ्रूट्स यहाँ पर आते हैं एक्सट्रीम शुगर यहाँ पर इसमें क्वांटिटी होती है पहले ये समझा जाता था कि इस इसमें एक्सट्रीम प्रोटीन होता है जिसकी वजह से जो आसपास के रेड्स हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनको खाते हैं लेकिन अपोजिटली रिसर्च के बाद हमें एक चीज़ पता चली कि नहीं इनमें कोई प्रोटीन तो नहीं होता बट दे कंटेन एक्सट्रीम स्वीटनेस जिसकी वजह से जो रेड्स होते हैं ब्लैक रेड्स होते हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आ गई है ठीक है और इन फ्रूट्स का कंजम्पशन करते हैं अब जब ये रेड्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये फ्रूट्स ख़त्म होने लगते हैं ठीक है ख़त्म हो जाते हैं तो ये रेड्स क्या करते हैं भाई जो भी स्टैंडिंग क्रॉप्स होती हैं उसको खा लेते हैं और उसका रिज़ल्ट होता है कि ये नॉर्थ ईस्ट में फेमाइन कॉज कर देते हैं और इसी इन्हें मौतम बोला जाता है कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो त्रिपुरा मिज़ोरम एंड मणिपुर ठीक है अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो मेलिकोना बेसिफेरिया है इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मुली के नाम से भी जाना जाता है ठीक है दिस इज द पॉइंट ये कुछ बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं सो so, दिस फ्लावर विच इज़ मेलिकोना बेसिफेरा जिससे फ्रूट निकल रहा है इस ये लार्जेस्ट फ्रूट फ्रूट प्रोडक्शन बैम्बू जिसे हम बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको मूली के नाम से जाना जाता है ठीक है अदर देन दैट हम क्या बोलते हैं जब एक बार ये फ्लावर निकल के आ जाते हैं उसके बाद बैम्बू का डेथ हो जाता है इसी वजह से ना बैम्बू डेथ रेड फ्लड फैमाइन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया या फिर मौतम के नाम से भी जानते हैं चलिए तो प्रश्न क्या बन सकता है आपके लिए आपसे पूछा जा सकता है कि फेमाइन कॉज्ड बाय रेट इन्फेस्टेशन ड्यूरिंग द फ्लावरिंग ऑफ मेलिकोना बेसिफेरा बैम्बू इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर नोन एज मौतम ठीक है ये आपसे पूछा जा सकता है बौतम फेमाइन इज कॉज्ड बाय तो आपको नाम बताना होगा मैलिकोना बेसिफेरिया या आपसे पूछा जा सकता है मेलिकोना बेसिफेरा विच वॉज करेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड विथ ठीक है बैम्बू अलग अलग प्लांट्स के आपके पास नाम आ जाएंगे तीसरी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि मेलिकोना बेसिफेरा जो कि बैम्बू का एक स्पीशी है यहाँ पर मतलब फ्लावर्स निकलते हैं इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस नाम से जाना जाता है तो आप आंसर देंगे मूली जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बता दिए या मौतम यहाँ पर क्या है तो मौतम आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए एक पीरियोडिक नेचुरल फिनोमिना हम इसे बोल सकते हैं क्यों बोल सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई हर 48 साल में ये फ्लावरिंग होती है ठीक है और इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर में हमें फेमाइन देखने के लिए मिलता है क्योंकि वंस द फ्रूट गॉन ये जो रेड्स यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं ये क्या करते हैं जो भी स्टैंडिंग क्रॉप्स होती है उनको खा लेते हैं इसीलिए जैसे ही फ्लावरिंग होगी जैसे ही फ्रूट्स आएंगे हर पचास साल में सेम फिनोमिना रिपीट होता है ठीक है इसीलिए अब इस इवेंट की वजह से क्या होगा प्लेग भी फैलता है ठीक है और इसीलिए हम इसे टर्म दे देते हैं रेड फ्लड ओके आई होप आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा चलिए आगे बढ़ने के पहले मेरा आपसे एक सवाल है आप मुझे बताएंगे चालीसा फेमाइन ठीक है आपको मुझे चालीसा फेमाइन के बारे में बताना है कि ये क्या है कब हुआ था ठीक है और इसी के अलावा आपको मुझे एक और दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है दैट इज़ दो जी बारह फेमाइन ठीक है आपने इन फैमाइंस का हो सकता है इनके बारे में सुना हो हो सकता है इनके बारे में नहीं सुना हो और इसी तरीके से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की जाती है बहुत सी चीज़ें हमें पता होती है और कुछ चीज़ें हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके पता लगाते हैं सो अगेन आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन आपको मुझे बताना है चालीसा फेमाइन के बारे में और दो फेमाइन के बारे में इन दी कमेंट सेक्शन चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलिए तो ये न्यूज़ यहाँ पर क्या बात करें सुप्रीम कोर्ट ने उसके पास एक पिटीशन थी टू क्रिएट इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट सर्विसेज उसकी पटिशन को रिजेक्ट कर दिया है ठीक है इन्होंने बोला है कि हम इसमें इंटरव्यू नहीं करेंगे एंड डायरेक्ट दी गवर्नमेंट टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट इंडियन एन्वायरमेंट सर्विसेज विद इन दी ऑल इंडिया सर्विसेज कैट अब यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ रही है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इकोलॉजिकल इम्बेलेंस क्लाइमेट चेंज वाटर स्केर्सिटी इन सब को ध्यान में रखते हुए इसकी नीड यहाँ पर महसूस हुई ठीक है लोग बहुत सारे एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज फेस करते हैं जैसे एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन नॉन एरेडिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट गारबेज पोल्यूशन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट एंड सो ऑन इसी का रिजल्ट है कि ये ऑब्जर्व किया गया कि शायद इस तरीके की सर्विसेज की हमारे लिए ज़रूरत है अब देखिए हुआ क्या था 2014 में टी एस आर सुब्रमण्यम के अंडर एक कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये देखने के लिए कि भाई क्या नीड uh, है ठीक है किस चीज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की ज़रूरत है तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया और ये बताया कि दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट माइट नॉट बी एबल टू स्पेयर स्पेशल टाइम फॉर एनवायरमेंटल कॉजेज़ ठीक है क्यों क्योंकि भाई पहले तो स्पेशलाइज्ड कैडर की यहाँ पर ज़रूरत होती है ट्रेंड पर्सनल नहीं होते हैं ऐसी ही एक स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल पुलिस की हमें ज़रूरत है एक डिफरेंट फ्रेमवर्क की हमें ज़रूरत है जो कि मिसिंग होता है और जो एग्जिस्टेंट पर्सनल्स हैं जो एग्जिस्टेंट हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो इसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे इट नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन इस्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट पॉलिसी एंड लेजिसलेटिव फ्रेमवर्कस चलिए सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ ये न्यूज़ में क्या महत्वपूर्ण है बहुत कुछ ज़्यादा जानने के लिए नहीं है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनाग्रेट किया है काशी तमिल मीट इन वाराणसी होगा क्या यहाँ पर होगा कल्चरल एक्सचेंज 2500 से लेके 3000 लोग जो तमिलनाडु से हैं वो एक्सपेक्ट है कि वो विज़िट करेंगे वाराणसी ठीक है अलग अलग ग्रुप्स में लगभग 12 डिफरेंट ग्रुप्स में ये लोग यहाँ पर आएंगे ये काशी विजिट करेंगे ठीक है नॉलेज एक्सचेंज होगा एंशियंट कल्चर सिविलाइजेशन का यहाँ पर एक्सचेंज होगा द्रविडियन कल्चर तमिल संगम और वाराणसी उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है वो यहाँ पर एक्सचेंज देखने के लिए मिलेगा लोग एक दूसरे के लिए जो उनके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो यहाँ पर जागेगी कि कैसे कल्चर डिफरेंस हमारे पास है बट स्टिल वी आर यूनाइटेड चलिए तो इस न्यूज़ में इतना ही नाउ इट्स टाइम फॉर करेंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस वॉज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम इसरोज लॉन्च पैड इन श्री हरिकोटा दिस मिशन वॉज नेम्ड प्रारंभ टू सिग्निफाई द स्टार्ट ऑफ न्यू एरा इन इंडियाज स्पेस सेक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे पहले प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट का नाम क्या है सो इट इज़ प्रारंभ The government has raised the maximum tenure of PSU bank CEO to 10 years. Next India and the Gulf Cooperation Council to launch FTA negotiation on 24th November. The United Nations observed World Toilet Day on November 19 annually. International Men's Day is marked annually on November 19th. This year the theme for 2022 is Helping Men and Boys. The United Arab Emirates Rashid rover विल बी सेंड टू द मून ऑन Japan's Hakuto आर lander. सो दिस is इट एंड इट्स अ quiz time. एंड फर्स्ट क्वेश्चन is: What is द नेम given टू द India's फर्स्ट प्राइवेट स्पेस मिशन नेक्स्ट is November 19 is observed as. आप सभी को पता है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है आपको करेक्ट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून विद टू नो द करेक्ट आंसर तो आज के लिए इतना ही ज्वाइन आवर बचेज फॉर यू पी एस सी एम पी पी एस सी सिविल सर्विसिज एग्जामिनेशन वी हैव इंटायरली डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर एम पी पी एस सू पी एस सी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू नॉट फर्गेट टू हिट लाइक बटन कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस दी सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू एंड सी यू टुमारो